नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। ओंछा थाना क्षेत्र के नगला करदुआ में उधारी के पैसे मांगने पर युवक को गांव के ही दबंगों ने धारदार हथियार से युवक का कान काट दिया, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गई। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। नाम है आपका? शैलेंद्र जी, ये क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ, हम उधारी के रुपए मांगने गए थे किशनपाल के यहाँ। कहाँ पर? किशनपाल के यहाँ पर, गांव में। कौन सा गांव है आपका? नाला कुतरुआ है। अच्छा, वो लोग एंटी पार्टी पहले की रंजिश थी, वो लोग हमारे पास एकदम, हम वहीं पे आके रुपए मांग रहे थे दूसरे व्यक्ति के घर, वहीं पे आके मुझे देख के मुझे हमला कर दिया हमारे ऊपर, और चक्कू से हमारा ये कान काट लिया। मैं तो जान बचा के, एक ने तमंचा चलाया जान बचा के, हम तो चीख पार के, और मोहल्ला पड़ोस ने आए तब जान बचा के भाग गया यहाँ पे। कितना कान काट लिया? पूरा आधा है सर। अच्छा, आधा हिस्सा मिला नहीं वो कान कटा? ना ना, वो है, वो रखो है। रखा है? हाँ हाँ। वो जुड़वाया नहीं? नहीं, पूरा हवा लग गई, फिर सर नहीं जुड़ा है। तो इस संबंध में आपने रिपोर्ट की? रिपोर्ट हमने लिखा, तहरीर लिख के दे दी है। अच्छा, रिपोर्ट होगी? रिपोर्ट लिखी जा रही है।